बल्ले बल्ले श्रीनगर चला 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 गंगा संगम तो गाइस दे सकते हैं 15 से 16 घंटे की ये जर्नी रही। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से पता लगा ही लिया होगा। हम जा रहे हैं अपनी ड्रीम राइड केदारनाथ में। कितने टाइम से सोच रखा था कि इस राइड पे निकलेंगे बट नहीं निकल पा रहे थे, तो फाइनली इस राइड के लिए निकल चुके हैं और हमारी बिल्लो रानी बिल्कुल तैयार है। और मैं जा किसके साथ रहा हूँ वो आपको भी थोड़ी देर में मिलवाता हूँ, मेरा फ्रेंड है। निकलते हैं अपनी राइड पे, मजे लेते हैं, एंजॉय नज़ारे सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट ब्रेक पेट्रोल पंप पे पहुँच गए, टंकी करवा लिया बिल्कुल फुल, भाई को ज्वाइन कर लिया और निकलते हैं फटाफट क्योंकि लेट हो चुके हैं। सही कह रहा हूँ, बहुत जल्दी करनी पड़ेगी हमें। तो ये है भाई अपने न्यू शूज की हालत, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है यहाँ और जो गाड़ियां हैं वो तो वापसी कर रहे हैं, जो है वो वापसी जा रही है क्योंकि हरिद्वार का ये रास्ता जो है बन रहा है, सिर्फ टू व्हीलर जो है यहाँ से जा सकता है। ये कहाँ आ गए हम, कहाँ के लिए निकले थे और कहाँ जा रहे हैं, बीच में से कोई शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए, क्यों भाई? सही बात है, आगे देख के बाइक चलाओ। गांव मिलेगा उसके अंदर से रास्ता निकलेगा, एक्चुअली में क्या है जो पानीपत से सीधा रास्ता है वो भी कंस्ट्रक्शन पे है, हम उसी रास्ते को फॉलो कर रहे थे बट वो अभी हाफ बना है, हाफ नहीं बना। चलते हैं, मिलते हैं रोड पे। तो किसी भी रोड ट्रिप की शुरुआत बिना चाय के कैसे हो सकती है। सो फार 80 किलोमीटर जो है वो हमने डन कर लिए हैं, अब यहाँ चाय की चुस्की चल रही है, चाय ले पीते हैं और फिर अपना आगे का सफर करें स्टार्ट। तो यहाँ चाय पे चर्चा चल रही थी, तो मैं भाई से पूछ रहा था, ये भाई जो है दो बार पहले केदारनाथ जा चुके हैं, तो एक्साइटमेंट वही है या कुछ चेंजेस है? क्या बात है, मतलब हमका तो है ही है, इनको हमारे से भी ज्यादा। तो करते हैं जर्नी स्टार्ट, 10 मिनट का ब्रेक था पूरा हुआ। तो हरिद्वार में तुम्हारा स्वागत हुआ ऐसे जाम से और हम बीच का शॉर्टकट लेके ऐसे यहाँ से आ रहे हैं। पहला ब्रेक लिया 80 किलोमीटर पे, दूसरा सीधा 100 प्लस किलोमीटर पे हरिद्वार पहुंच चुके हैं। अभी भी रास्ता बहुत लंबा है, ऋषिकेश जाके हम अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। कैसा रह चल रहा सफर भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपको गंगा मैया के दर्शन करवा देता हूँ, हम हरिद्वार रुकने नहीं वाले हैं क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा है, तो यहीं से दर्शन कर लो गंगा मैया की। तो भाई ये वाली रोड चल रही है और वो परली रोड पर जाम पूरा देख सकते हो, पर हम ऋषिकेश को ये वाला रास्ता ले रहे हैं। कई लोगों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, जो जंगल के बीच में से होकर जाता है मेन हाईवे को छोड़ के। ओ बल्ले बल्ले गाइस, शिव जी जी के दर्शन कर लो, हर हर महादेव, और यहाँ आप दर्शन कर लो माता मनसा देवी जी के दर्शन कर लो। तो फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अब ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं बिकॉज और यहाँ जाम ने हमारा बहुत टाइम वेस्ट। तो अब ऋषिकेश के लिए जाम की तो बात ही मत करो। वो देखो बिल्कुल अभी भी फुल जाम लगा हुआ और हमने वहां से यू टर्न लेके, जिसको पता होगा ऋषिकेश का ये रास्ता जंगल की तरफ से, उस रास्ते से हम जाने वाले मेन हाईवे को छोड़ के। तो इसी रास्ते की मैं बात कर रहा था, तो भाई इसी रोड की मैं बात कर रहा था। ये देखिए एक तरफ नदी, एक तरफ बीच में रोड, एक तरफ बीच पीछे हल्की सी खाई और वहां जानवर, बीच में चलती हमारी रानी और राम। क्या बात है, क्या बात है, क्या नजारा, और पीछे की सीनरी में पहाड़। तो जान देखो भाई साहब, ये है ऋषिकेश का जान। तो भाई एक जाम से निकले, दूसरे जाम में फंस गए, हरिद्वार के लिए तो हमने शॉर्टकट मार लिया बट ऋषिकेश के जाम में इतना बुरा फंसे ना। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, हमारा टारगेट था कि 9 बजे के करीब हम ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, बस 10:30 बज रही है, तो देखते हैं अभी लेट चल रहे हैं या टाइम से पहुंच जाएंगे। हमारी जो सफर है इतना बाकी है, पूरा करेंगे। जाम भाई साहब, तो दिशु भाई मुझे ये इतना जाम देख के ये ऐसा क्यों लग रहा है कि जो हम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे थे ऐसा कुछ ना हो, केदारनाथ में भी जो हमने न्यूज वगैरह सुनी है वैसा कुछ ना हो? कोई बात नहीं, काम ये देख लूंगा, 1.5 दिन लग जाएगा, तो फिर भी फिंगर क्रॉस्ड है, अच्छे से दर्शन हो, बहुत अच्छे से दर्शन हो, अच्छे से दर्शन करके अपने घर पहुंचे। ब्रेकफास्ट अपना आ चुका है, बैठिए बैठिए सर, क्या बात हो, ये हमारा, ये आपका, ब्रेकफास्ट करते हैं।
बढ़िया से। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और फाइनली एक बार फिर से अपनी यात्रा को शुरू करते हुए हम चलते हैं, चले जी। तो करें तो भाई व्यू देखो यार, कितना औसम व्यू है। और यही दिखाने के लिए मैं रुका था, वो देखो वहाँ राफ्टिंग हो रही है जिसकी वीडियो हमने आज ही अपलोड करी है, जाके देखना जरूर। भाई मेरी वहाँ वेट कर रहा है और मैं सिर्फ ये व्यू आपको दिखाने के लिए रुका था। तो भाई ऐसे ही नहीं सिखों को सबसे बड़ा सेवादार कहा जाता, इतनी ऊपर भी सेवा चालू है, मीठे पानी की, लंगर की, सारी तो भाई सफर अभी चालू है। लगभग 20-30 किलोमीटर जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं, अभी भी लगा लो आपके हाफ सफर कंप्लीट हुआ, अभी बहुत पेंडिंग है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो साथ में रिवर बह रही है, ये रोड जा रहा है, ये है वादियां। कुछ एक नंबर, बट जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ धूप की आ रही है भाई साहब। ऐसे क्यों इतना वजन उठा रखा आपने? तो भाई साहब बस धूप की दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर अब यहाँ रेस्ट करने के लिए रुके हैं, 5 मिनट का रेस्ट लेंगे फिर चलेंगे। ओ भाई साहब ये व्यू देखो भाई साहब, मतलब एक पहाड़, दो पहाड़, तीन पहाड़, इतने बीच में से गंगा बहती हुई, क्या सीनरी भाई साहब, क्या सीनरी बनी हुई। और राइड हमारी अभी स्टार्ट है, पूरे रास्ते पे कोई पेड़ नहीं है, पहाड़ ही पहाड़ है और कहीं हमें छाया नहीं मिल रही। ये व्यू दिखाने के लिए रुके थे आपको, तो कंटेंट ऐसे ही इकट्ठा करते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। क्या बात है वादियाँ, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई ये रहा हेलीकॉप्टर, बहुत दूर है, और ये रही वादियाँ, एक नंबर। जैस मेरे भाई, ओ भाई मेरे, क्या बात है क्या बात है। कॉफी पीने के लिए रुके थे और ऐसा व्यू, एक नंबर व्यू भाई साहब, मतलब केदारनाथ के रास्ते में जो है एक नंबर व्यू मिलता है आपको, एक नंबर, पीछे की सीनरी एक नंबर भाई साहब। और यहाँ एक कॉफ़ी बनवाई थी स्ट्रॉन्ग सी, क्योंकि सुबह 4 बजे से चल रहे हैं तो हल्की फुल्की नींद आ रही थी, तो इसीलिए कॉफ़ी पी रहे हैं और थोड़ी चुस्ती लाते हैं, क्योंकि अभी 100-150 किलोमीटर के करीब हमारी जो जर्नी बाकी है और हमें वो आज ही कवर करनी है। एक ही दिन में हम गोरीकुंड तक का रास्ता कवर करेंगे। तो अगेन रेडी टू रोल, देखते देखते एक सॉन्ग याद आ गया, सफर का ही था मैं सफर का रहा। निकलते हैं भाई साहब, लेट हो रहे हैं पहले ही। सो फाइनली हेयर वी आर इन देवप्रयाग, एंड आपको दिखाते हैं गंगा संगम, वो अलकनंदा आ रही है, ये भागीरथी आ रही है, और इन दोनों को मिलाकर हमारी गंगा नदी बन रही है। मतलब कितना प्यारा व्यू लग रहा है, सच में यार देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और ये चीज़ मैं आज तक फोटोज वगैरह में देखता था, आप सोचते हो कि कैसे बच्चों वाली बातें कर रहा है, पर एक्चुअली क्या है कि मैंने आज तक ये चीज़ देखी नहीं, ये सारा रूट मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मुझे देखने में अच्छी लग रही है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ देख देख के, तभी मैं वही फीलिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये व्यू देखते यार कितना, मतलब जो मेरी आंखें जज कर पा रही हैं वो कैमरा नहीं कर पा रहा, वो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यू नज़र आ रहा है। हाँ जी, तीसरी बार देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। तीसरी बार भाई का और हमारा फर्स्ट टाइम, बहुत मज़ा आ रहा है भाई साहब। वीडियो वगैरह में देखा था और आज लाइव देख रहा हूँ, क्या बात है। व्यू को बाय बाय, मतलब कितना ही प्यारा लग रहा है, सच बता रहा हूँ अभी भी। और आते बारी शायद हम यहाँ ना रुकें, बिकॉज हमें क्या पता आते आते नाइट ना हो जाए, तो भाई जल्दी कर रहा तो धक्के मार लो। आपको कैसे लगा संगम देखकर कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है क्या, तो फिर मिलते हैं, चलो ओके। देखो एक और ब्यूटीफुल सीनरी, और हवा कितनी तेज चल रही है, क्या बात है। तो यहाँ हम रुके थे 5 मिनट,
तो यहाँ हम रुके थे 5 मिनट का रेस्ट लेने। यार इतना लंबा सफर कर रहे हैं, दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट का बीच में रेस्ट ले लेना चाहिए। भाई लेने नहीं दे रहा, उतरते ही कहता है चलो चलो चलो। भाई साहब मंजिल को पहुंचना, रास्ते का भी तो मजा लेना। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, 5 मिनट का रेस्ट हम यहाँ ले चुके हैं। तो बस श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, ओनली 5 किलोमीटर रह गया। ओ भाई साहब, और ये पुल कितना बढ़िया सा लग रहा है। नहीं 5 मिनट का रेस्ट लेने के लिए रुके थे, बिल्लो रानी खड़ी है, भाई खड़ा है, पुल खड़ा है, श्रीनगर का बोर्ड खड़ा है। तो निकलते हैं यहाँ से बस। सो हेयर वी आर इन श्रीनगर। फाइनली श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और भाई मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड के पास भी अपना श्रीनगर है, तो ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। और यहाँ हम अपनी बाइक में करवा रहे हैं कुछ काम। एक्चुअली क्या है कि हमें रास्ते में जो है पिछली ब्रेकेज है लगनी बंद हो गई थी, और उनमें से कुछ आवाज़ भी आ रही थी। तो यहाँ हमने तो श्रीनगर पहुँच के चेक करवाया, तो इसके ब्रेक शू यहाँ हम चेंज करवा रहे हैं, तो इसका काम हो रहा है। और भाई वहाँ से हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेने गया है। चले आए भाई तुम मंडा की लस्सी है ये। तो भाई हमारे लिए ले गया लस्सी। लस्सी है या दही है? दही है भाई। तो इसे अब खाते हैं गर्मी में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरे माता द्रव्यता याद करोगे? क्या बात है, क्या बात है। ऐसे बढ़ता है एक्स्ट्रा खर्चा ट्रिप का, जिसका कुछ पता नहीं होता है ना। तो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट और निकल चुके हैं दोबारा से। ड्राइवर जो है वो चेंज हो चुका है, तो अब हम पीछे बैठेंगे और आपको दिखाएंगे नजारे। एक बार ये व्यू भी देख लो, कितना ही बढ़िया है लग रहा है यार। ये देखो यहाँ से डीप है, और कितना ही बढ़िया, पूरी एक लेक सी लग रही है, बड़ी सी। क्या बात है, क्या बात है। पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, वाह जी वाह। और यहाँ ये काम चल रहा है, यहाँ आई थिंक लैंडस्लाइड होती होगी, तो ये उसको कवर कर रहे हैं। ये सीनरी आपको दिखाने के लिए रुका था, कितनी ही बढ़िया भाई साहब, कितनी बढ़िया। चले जी, ये रोड चल रही है और वो सारी हमने कवर कर ली। ओ भाई साहब पहाड़ देखो यार, कितना बढ़िया सा नहीं लग रहा। जैसे इसको खुर्च खुर्च के बनाया गया हो, ये वाला पहाड़ देखो। क्या बात है, क्या बात है। ओ नजारे एक नंबर, एक नंबर। और आई थिंक लैंडस्लाइड एरिया है, देखो तो अभी मतलब तभी ये बना भी नहीं हुआ ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग पैच। तो भाई हवा देख रहे हो कितनी तेज चल रही है, अभी एकदम से एक झोंका हवा का आता है, हमारी बाइक का मतलब हैंडल भी बहुत ज्यादा वॉबल कर रहा है, 20-30 से ऊपर चल ही नहीं रही। और रोड इतना फर्स्ट क्लास है, लेकिन बाइक नहीं भगा पा रहे, गाड़ी तो जा ही रही है, बाइक को 20-30 से ऊपर नहीं ले जा पा रहे। फुल तेज ठंड चल रही है, पीछे पेड़ों को बदला हवा चल रही है, इनको चक्कर लगा है।
भाई साहब सिर्फ 80 किलोमीटर रह गया। जल्दी से जल्दी, मौसम भी खराब लग रहा है एकदम से, वक्त ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए है। तो हाथ दे सकते हैं, कितना प्रेशर है यहाँ पर भाई, इस तरीके से रेडी हो गया है। एक्चुअली क्या है, एकदम मौसम खराब हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई, मैंने भाई को बांधा के रेन सूट दोनों के ले लिए, हवा बहुत तेज चल रही है, बट जिसने रेन सूट नहीं लिए मतलब बहुत ओवल कर रहा है, टाइल बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, तो हमने ये खरीदे यहाँ से निकलते आगे। हाँ अभी का सीन कुछ इस तरीके का है, पूरे झूले हो चुके हैं, बरसात चल रही है फुल और रूम नहीं मिल रहा है, तो रूम की ट्राई कर रहे हैं। चले भाई का चलो चलो फुल नजारे देखे, नजारे बहुत बढ़िया। व्हाट्सअप, अपने रूम में हमने चेक इन वगैरह कर लिया है, तो ये कुली सर हमें मिल गया था बेस्ट प्राइस में, और सबसे पहले हमने आते ही अपने जो सारे कपड़े थे गीले सुखा दिए, जो मेन सामान था वो सारा निकाल लिया, शूज वगैरह हमारे सारे गीले हो चुके हैं भाई। तुम तो कह रहे थे मौसम बढ़िया है, क्या बात है, भाई हो गया हो गया। भाई को मैंने बोला था कि आप वो ले लेना, क्या ले लेना, रेनकोट ले लो पूरा सूट तो ठीक रहेगा, या हमें सिर्फ अपर पार्ट का मिला और नीचे से हमें ठंड लगनी स्टार्ट होगी लोअर में, तो बहुत बुरा हाल हुआ। भाई ने जाके काफी एंड तक हमें ये रूम मिला है, और लगभग हम कितनी एक किलोमीटर आ चुके हैं, वो कितनी आगे होगा गौरीकुंड, 30-35 किलोमीटर दूर होगा गौरीकुंड, तो वो फिर कर लेंगे, बिकॉज बाहर बहुत तेज बारिश चल रही थी। तो भाई जितना कहते हैं ना कि ट्रैवल करना आसान है, उतना आसान होता नहीं है, पीछे की बातें आपको पता नहीं होती है, क्यों भाई बीच बारिश, तो जब से बारिश स्टार्ट हुई थी हम फोन तो बाहर निकाल नहीं सकते थे, लगभग 30 किलोमीटर हम चले होंगे बारिश में, ज्यादा ही चले हैं बारिश में, चले हैं, इतनी तेज बारिश थी, ठंड भी लग रही थी, ऊपर से हम फंस के जाम में, देन हमें कोई रूम नहीं मिल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लोगों को पता है बंदा ट्रैवल कर रहा है मजे ले रहा है, तो भाई साहब ट्रैवल कर रहा है मजे ले रहा है, तो इसके पीछे भी बहुत कहानियां होती हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती। तो अपने रूम से बाहर का जो सीन है वो दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक कितना अभी तक जा रहा है यहाँ से, ये सारा ट्रैफिक केदारनाथ जा रहा है, ये तो वो देखो वो जाम लगा हुआ है अभी आगे, जूम करूं 30-35 किलोमीटर है गौरीकुंड, तो ये सवारी ऊपर की तरफ जा रही है। भाई डिनर करने जा रहे थे भाई, लूटपाट करने भी जा रहे हैं, देसी स्टाइल में डिनर करने जा रहे हैं भाई लोग, क्या दिक्कत है, दे थोड़ी सी दे दे तेरे को, मैं अरे यहाँ से दे दे, तो बस ये चीज दे दे, ये तेरी ये मेरी दे तेरी डिनर तो आपको पता ही है पहाड़ों में कैसे सो था, बस ठीक ठाक था, जो चीज मिल गई वो अच्छी है जी, चलते हैं अपने रूम में। ठीक है भाई, डिनर वगैरह करके अपने रूम में आ चुके हैं, बहुत टायर्ड फील हो रहा है, तो बस सोने की तैयारी है, भाई तो अभी से ही सो गया, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे के करीब अपने घर से निकले थे, तो और यहाँ 7-8 बजे के करीब पहुंचे थे, 15-16 घंटे की ये जर्नी रही केदारनाथ की यात्रा में, 15-16 घंटे अगर एक ही दिन में करना चाहते तो लग जाते हैं मिनिमम। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।